लेकिन इसको प्रॉपरली बगैर वेरिफिकेशन के ही जो जवाब जो है वो दे दिया गया है। 27,235 करोड़ रुपया जो है आज तक केंद्र सरकार की तरफ से रिसीव हुआ है और मात्र 11,917 करोड़ रुपया जो है और 2 वर्ष से भी ऊपर का अंतराल जो है वो हो चुका है। एक ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से एक जवाब आया है कि नो टाइम लाइन हैज बिन फिक्स फॉर दैट। और मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस वक्त पैकेज डिक्लेयर किया था, और ये होता भी है कि जब एक सरकार का समय होता है जहां वो सरकार इसको खत्म करती है, तो मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन माननीय द्राबू साहब इसको नोट करेंगे कि आपने कहा है कि रिहैबिलिटेशन ऑफ पैकेज फॉर वन टाइम सेटलमेंट ऑफ 36,384 फैमिलीज फ्रॉम पीओके एंड छम डीपीज, नो फंड्स हैज बीन सैंक्शनड, नो फंड्स रिलीज्ड, एक्सपेंडिचर जीरो। मुझे नहीं मालूम कि जो 6,000 से लेकर, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग मुझे लगता है 7-8,000 फैमिलीज हैं जिनको पैसे जो है वो मिल चुके हैं। तो दैट इज अ क्लियरली इंडिकेटिव कि ना तो डिपार्टमेंट ने जवाब देते हुए पढ़ा, ना बनाने वालों ने देखते हुए इसे पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए। व्हाइल इट वाज ब्रॉडली अग्रीड दैट वी डू इट विद इन 5 years और द पीरियड ऑफ 6 years दैट वाज डिजाइंड फॉर, ओवर टाइम वी हैव बीन बिल्डिंग इट अप एंड बोथ स्टेट सेक्टर एज वेल एज बोथ स्टेट सेक्टर एज वेल सेंटर सेक्टर। टोटल जो रिलीज हुआ है सैंक्शन इज अबाउट 27,000 करोड़, उसमें रिलीज 14,000 हुआ है, 11,000 खर्चा हुआ है, सो वी आर नॉट फॉलिंग शॉर्ट। दूसरा सर, इसका ये कॉम्पोनेंट है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द पीएम्स कॉम्पोनेंट पैकेज में इज इक्विटी विच विल गेट ट्रांसफर्ड इन वन डे। 4,500 करोड़ हमारा पावर के लिए है, तो द डे वी रिक्वायर इक्विटी आइदर फॉर पाकर डोल और फॉर सावरकोट और अदर्स, द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज विल शो सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट। थर्ड, अ लार्ज कॉम्पोनेंट अगेन वॉज ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज टेकन सम टाइम, but we are now beginning to ramp up that particular process, so within the course of this year we shall see a large increase in the utilization of the prime minister's package. Also sir, initial phase mein dprs banne mein kafi time laga hai, so now we are at a stage where we shall be able to ramp up the process. As regards the pok and chamb refugees package, it is right sir, there was some money distributed. I'll find out why it has not been reflected here and come back to ministers.